नोटबंदी को लेकर किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने अपना तुगलकी फरमान सुनाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। किसानों ने इस दुख को अपने अंदाज में विरोध दर्ज कराते हुए रामपुर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव आसिम खान ने अम्बेडकर पार्क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर केंद्र सरकार के इस फैसले पर विरोध किया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। रामपुर में आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव आसिम खान ने अपने पद अधिकारी और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अम्बेडकर पार्क पर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के गेहूं के आयात पर 10% कर को 0% किए जाने के सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया और कहा कि किसान पहले से इस नोटबंदी से मारा हुआ है और जगह जगह आत्महत्या कर रहा है। भारत के इन अन्नदाताओं को जमीन में धंसाने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने 10% कर लगा के पूरा कर दिया है। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव आसिम खान ने जूता पॉलिश कर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि अन्नदाता की इससे भी बुरी हालत होने वाली है। आज हम अम्बेडकर पार्क पर बैठे हैं और यहाँ बैठकर जूता पॉलिश कार्यक्रम चला रहे हैं। हमने केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने विदेशों से आयात होने वाले गेहूं पर लगने वाले 10% कर को समाप्त करके उसे 0% कर दिया है और 12 लाख टन गेहूं आयात करने का प्रोग्राम बनाया है। तो इस तरह अगर सस्ते दरों पर गेहूँ आयात किया जाएगा तो फिर इस देश का किसान क्या करेगा, उसका अनाज कौन खरीदेगा, उसको बनिए और महाजन लूट लेंगे और उसका अनाज खेतों में सड़ जाएगा। क्योंकि हमारे देश का किसान इस वक्त देश और प्रदेश दोनों सरकारों के तिरस्कार का शिकार है। कर्ज में डूबा हुआ है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, किसान के घर में फाका है। दूसरी तरफ ये नोटबंदी की आफत ने किसान को मुश्किल में डाल दिया। उसकी आजाद टीवी न्यूज के लिए रामपुर से अफान अहमद की रिपोर्ट।